ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है, बहुत बहुत बच गए हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यह नया साल आने वाला है और ये नया साल आप लोगों के जीवन को खुशियों से भर दे। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है तो शुरू करते हैं। फिलहाल जो है तो मैं सो के उठ गई हूँ और आज मेरा एग्ज़ाम भी है और ये मेरा मंकी टोपा, इससे ना ठंड थोड़ा कम लगती है। आज मेरा एग्ज़ाम है, हालांकि मेरे हाथ की हालत थोड़ा ठीक हो गई है, लेकिन पैर की ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम है तो देने तो जाना ही पड़ेगा। और ये पे भैया जी भी अपनी ड्यूटी के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। नाश्ता कर रहा हूँ मैं, ब्रेकफास्ट हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स वाला है ना। क्या है भाई इसमें, दिखाओ जरा। खत्म, अब तो खत्म हो गया, दूध बचा है। मैं अपने वाला दिखा देती हूँ ना, ये रहा, ये मेरा रखा हुआ है। और आज जो है तो ड्रेसिंग भी करवाना है ना तुम्हें, ड्रेसिंग, मुझे ड्रेसिंग कराना है, ड्रेसिंग आज करवा ही लेना है ना। वैसे मैं जब गई थी ड्रेसिंग करवाने तो इतना अजीब तरीके से वो कर रहे, बिल्कुल इतना प्रेशर वो कर रहे थे, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। तुम भी जो है तो अपना, तुम्हारे तो गहरी चोट लगी है ना। और इधर माता श्री का खाना पीना बन, मम्मी भोजन रेडी हो गया क्या बन के? ये दूध, नाश्ता हो गया। आज वैसे मुझे कॉलेज भी जाना है ना, तो आज नाश्ता प्लस खाना दोनों चीजें जल्दी जल्दी। और ये मम्मी यहाँ पे इसको दूध दे रहे हैं और यहाँ पे इसके नाटक चल रहे हैं कि नहीं पीना है दूध। देख कचड़ा, कचड़ा था तो, कचड़ा था तो हाथ से भी निकालते बन जाता ना भाई, इसे इसे घर डाल दिए। यहाँ लोगों को लगता है कि दूध मिल जाए थोड़ा सा तो पी ले, यहाँ ये तो कचड़ा को फेंक रहे हैं दूध से इसे, और यहाँ पे इसे खानी पड़ी है। ठीक है गाइस, अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए गोविंदगढ़, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से गोविंदगढ़ में। अपनी ड्रेसिंग दिखा देना, चलिए ठीक है। सो गाइस, फिलहाल हम आ चुके हैं गोविंदगढ़ यूएलवी अपने नगर परिषद में, और ये अपनी गाड़ियाँ काम में लगी हुई है और इनका वर्क जो है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। तो ये रोड में अपना रोड के अगल बगल दोनों साइड कवर करते हुए जा रही है, मतलब ये नगर परिषद से निकली है तो नगर परिषद से होते हुए सीधे अम्बेडकर जो चौराहा है वो तिराहा है या रिवर रोड है वहाँ तक ही जाए, कवर करेगी रोड के किनारे किनारे, और उसके बाद फिर बार्डो में भी चले जाए, मतलब जो अंदर के गलियाँ हैं उनको भी डोर टू डोर कवर करेगी। चले चलते हैं हम फिर, अब अगले इसे घूमते हैं, बार्डो का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या समस्याएँ हैं, जैसा होगा तो इन ड्राइवरों को फिर बताया जाएगा। और ये अपनी अपनी जा कर के वार्डो का कचरा कलेक्शन करेंगे और जो कंप्लेन वगैरह होगी उनको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हम पहुंच गए हैं, ये है कि इधर ये बेला रोड है, तो ये बेला रोड है और इधर गोविंदगढ़ का मतलब ये, मतलब यह पीछे जो है इसके पीछे थोड़ा सा नगर परिषद है अपना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ हम घूमने आए थे, इधर फिलहाल अच्छी ठीक ठाक सफाई है और इधर गाड़ी जो है अपनी ना तो रूट में आते हैं शायद 9 बजे तक इधर रूट इधर का होता है गाड़ियों का। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा पीपल चौराहा में, उधर ही से घूमते हुए ऐसे निकल चलेंगे। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं घर और ये मैंने ड्रेसिंग करवा ली है आज, और ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ है मेरे को, हालांकि थोड़ा चपका था तो जब निकाल रहे थे ना तब दर्द कर रहा था। तो फिलहाल चलिए हो गई है यार, हैं, हाँ हाँ पका वगैरह नहीं है, ठंडी में इतना जल्दी थोड़ी पकता है। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम थोड़ा सा कुछ हल्का हाथ मुँह धो लेंगे और जो कुछ थोड़ा बहुत जो भूख, हालांकि भूख आज है नहीं ज़्यादा मेरे को, तो खा के कुछ नहीं आया ना, अभी कह रही है खा के क्या आए हो, कुछ नहीं खाया, टिफिन ले गया था वही खाया हूँ, बस हो गया। तो ठीक है चलिए, अब हम हाथ मुँह धुलते हैं उसके बाद फिर अगला काम होगा। सो गाइस, मैं बैठा हुआ हूँ अभी फ़िलहाल और अभी समय हो रहे हैं शाम के 4 का भी है और ये स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अनामिका भी है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं ना, और फिलहाल लोगों को ट्यूशन दे रही हूँ, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। और आज गया, हालांकि मैं आज गई थी अपना एग्ज़ाम देने, वहाँ का सीन मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है एग्ज़ाम सेंटर में, तो मैं इसलिए वहाँ पे मोबाइल लेके लूँगा। यहाँ पे भैया भी जो है अपनी पढ़ाई स्टडी कर रहा है और आज इसने अपनी ड्रेसिंग करवा ली, हालांकि मुझे तो ड्रेसिंग करवानी जरूरत नहीं है, मेरा घाव जो है तो अभी थोड़ा ठीक हो रहा है, इसमें आपसे ऊपर से ही दवा लगा सकते हैं, बस हो गया, हल्का पैर में थोड़ा पेन है। और अब जो है तो फिलहाल बच्चों को ट्यूशन, और मेरा आज एग्ज़ाम भी मेरा बढ़िया गया हालांकि, और फिलहाल इसके बाद क्या करूँ भैया, आज तुम्हारा काम, आज का तुम्हारा वो क्या बोलते हैं इस टाइम पे, हालांकि हम लोगों का शेड्यूल पूरा ही बिगड़ चुका है क्योंकि एक हाथ और एक पैर से हम लोग अपंग हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है,
बहुत बहुत बच गए हैं हम लोग, पर फिर भी छोटे मोटे अपने कामों को तो नहीं कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी कंगी भी नहीं कर सकती उस टाइम पे, मम्मी से मम्मी जो है तो कर लेंगे आफ्टर ट्वेल्थ। हम दोनों के एक साइड, इस साइड वाले हाथ हाथ और पैर में लगा है, हालांकि भैया के पैर में ही लगा, मेरा भी हाथ में पेन रहता है। एग्ज़ाम देने में आज थोड़ा बहुत समस्याएँ आई पर हो गया, नॉर्मली चलता नॉर्मल। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आगे, अगर कुछ आपको दिखाने लायक होता है तो दिखाएंगे। आज हालांकि मेरे से ऐसे करते बन रहा है, कल नहीं बन रहा था। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा।